जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशिफल 2022 के बारे में। तुला राशिफल 2022 में प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, कैरियर, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, परिवार और धन की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के वार्षिक राशिफल 2022 की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मुख्यतः ग्रहों का गोचर जान लेते हैं। गुरु 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे, फिर पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे। शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई 2022 को फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष फिर मकर राशि में ही रहेंगे और 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में ही रहेंगे शनिदेव। राहु 12 अप्रैल 2022 से पूरे वर्ष मेष राशि में रहेंगे और 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। केतु 12 अप्रैल 2022 से पूरे वर्ष तुला राशि में रहेंगे और 12 अप्रैल 2022 तक केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। बाकी सभी ग्रह अपने समय अनुसार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो तुला राशि वालों के पहले धन के मामले में बात करेंगे। तो धन से जुड़े मामलों में आपको इस वर्ष जनवरी के शुरू से ही धन के मामले में अच्छा रहेगा और धन के मामले में शुरुआत ही सही रहेगी, अनुकूल फल प्राप्त होंगे। खास तौर से जनवरी में मंगल आपकी राशि के धन भाव वृश्चिक राशि में गोचर में रहेंगे तो ये समय आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है। आपको धन लाभ होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद फरवरी महीने में आप अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्ति करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस पूरे ही साल आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आपकी आमदनी से अधिक खर्च का भार होने से आपकी आर्थिक स्थिति को आर्थिक तंगी को बढ़ा सकता है। यदि आपका धन कहीं पहले से अटका हुआ है, अगर आप व्यापारी हैं, आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है या आपने किसी को उधार दिया हुआ है वो नहीं मिल रहा है, तो आप उसे भी इस समय प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रयास करेंगे तो वो धन आपका इस समय मिल सकता है। इसके बाद 12 अप्रैल से राहु का परिवर्तन आपकी सप्तम भाव मेष राशि में होगा, यानी मेष राशि में 12 अप्रैल से राहु का गोचर होगा। तो केतु का गोचर आपकी राशि में होगा, यानी तुला राशि में होगा और 12 अप्रैल तक राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु 12 अप्रैल तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो केतु का गोचर आपकी राशि में होगा, ऐसे में धन से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में लेने से बचे, अन्यथा नुकसान संभव है। यानी 15 जून से 17 सितंबर तक का समय, चाहे आप व्यापार करते हों चाहे आप नौकरी करते हों, आपको धन लाभ के योग बने रहेंगे, यानी धन लाभ होता रहेगा। करियर की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए 2022 के लिए करियर के लिहाज से साल के पहले महीने में मंगल का धनु राशि में गोचर होगा, आपको करियर में सफलता देने वाला होगा। खास तौर से वो जातक जो व्यापार से जुड़े हैं उन्हें इस दौरान सबसे अधिक लाभ मिलेंगे। साथ ही अगर आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। और जो लोग नौकरी वर्ग में आते हैं, नौकरी पेशा हैं, उनको भी इस समय प्रमोशन वगैरह मिल सकती है, उनकी वेतन वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा साल भर शनि का आपकी राशि में पंचम और चौथे और पाँचवें भाव में गोचर रहेगा, इससे आपको ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शनि देव मेहनत करने के बाद ही परिणाम देते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, आलस्य को दूर रखना होगा, लगातार मेहनत करने की ज़रूरत होगी। और पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े लोगों के लिए पार्टनरशिप में अपने पार्टनर से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे और झूठ बोलने से बचना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलने से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इससे व्यापार कारोबार में आपको नुकसान हो सकता है। अक्टूबर और नवंबर का महीना भी नौकरी पेशा लोगों के लिए कई बदलाव लेकर आ सकता है और आपके लगन भाव के स्वामी, यानी आपके प्रथम भाव के स्वामी, आपके राशि स्वामी शुक्र इस समय पहले और दूसरे भाव में गोचर करेंगे।
इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र पर आपके छठे भाव के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि रहेगी, जिससे कार्यस्थल पर आपका अपने अधिकारियों या बॉस के साथ किसी भी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन ये विवाद लंबे नहीं चलेंगे, सभी विवाद खत्म भी हो जाएंगे और आपके संबंध भी बेहतर रहेंगे अपने बॉस और अपने अधिकारियों के साथ। लेकिन अगर आपका विदेश से कोई जुड़ा कारोबार है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं तो आपके लिए मई से लेकर साल के आखिर तक का समय अच्छा रहेगा। कुछ तुला राशि वालों को इस समय पर अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी किसी विदेशी यात्रा पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो तुला राशि वालों के 2022 के लिए पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर सामान्य ही रहने वाला है। खासतौर से जनवरी से लेकर मार्च के मध्य तक आपको कुछ पारिवारिक समस्याओं से थोड़ा बहुत संघर्ष देखने को मिल सकता है परिवार में, क्योंकि इस दौरान आपके चौथे भाव में कई ग्रहों का गोचर होगा। इस दौरान आपके घर के सदस्यों के साथ किसी कारणवश वाद विवाद संभव है, क्योंकि अप्रैल माह में 12 अप्रैल से राहु का गोचर भी मेष राशि में और शनि का कुंभ राशि में होगा 29 अप्रैल से। तो इस समय पर आपके पारिवारिक जीवन पर कुछ निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और उनके साथ मर्यादित आचरण करें। पिता आपका सहयोग करते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे, जिससे आपका उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा। और साल के अंतिम तीन महीने यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके भाई बहनों के लिए अच्छे रहने वाले हैं। आपकी परिवार के बीच छवि भी अच्छी रहेगी और आपको घर पर उचित सम्मान भी प्राप्त हो सकेगा। शिक्षा की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए 2022 के अनुसार शिक्षा में आपको इस साल सफलता मिलेगी। हालांकि शुरुआती समय में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को केवल और केवल शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। इसके बाद 26 फरवरी को जब मंगल राशि परिवर्तन करके मकर राशि में जाएंगे तो आपका चौथा भाव होगा, जिसमें मंगल राशि परिवर्तन करेंगे यानी मकर राशि में आपका चौथा भाव है। इस दौरान छात्रों को शिक्षा में अपनी मेहनत के अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही 29 अप्रैल को शनि का आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर करना यानी कुंभ राशि में गोचर करना आपसे अतिरिक्त मेहनत कराने वाला है, क्योंकि शनि देव मेहनत करवाने के बाद ही परिणाम देते हैं। इस दौरान आपको आलस की वृद्धि होगी, जो कि आपको आलस नहीं करना है, और आपका शिक्षा में थोड़ा मन भ्रमित भी हो सकता है। भ्रम में आप पढ़ सकते हैं तो भ्रम में भी नहीं पढ़ना है, शिक्षा के लिए एकाग्रता बनाकर रखनी है, आलस को दूर रखना है। ऐसे में एकाग्रचित्त होकर अपना पूरा ध्यान अपनी शिक्षा की ओर लगाना है। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो भी ये साल आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि मई माह से लेकर साल के अंत तक का समय आपकी नौकरी के लिए और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए दोनों के लिए बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए 2022 के अनुसार आपको इस वर्ष सेहत से जुड़े सामान्य फल ही प्राप्त होंगे। हालांकि साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी संघर्षमय रह सकती है, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी गुरुदेव आपके बारहवें भाव को दृष्टि करेंगे। आप कुछ मानसिक परेशान हो सकते हैं यानी कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन ऐसे में आपको किसी भी बात को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12 अप्रैल से आपकी राशि के सप्तम भाव में राहु का गोचर आपको दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कुछ मानसिक तनाव दे सकता है, जिससे आपके तनाव में वृद्धि हो सकती है। साथ ही इसका सीधा असर आपके खान पान पर भी पड़ सकता है, इसलिए स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें, बाहर का खाना खाने से बचें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि आपकी संतान भाव यानी पंचम भाव में रहेंगे, इस दौरान आपकी राशि के सप्तम भाव पर दृष्टि भी रहेगी। हालांकि मई से लेकर अक्टूबर तक आपकी सेहत में सकारात्मक सुधार आने के योग बने रहेंगे, लेकिन फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समय पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान तो जरूर रखना पड़ेगा। अगर आपकी माँ को कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो अगस्त में उन्हें उस समस्या से निजात मिल सकती है, और अगर निजात नहीं मिलती है तो आराम तो अवश्य मिलेगा। और आपके प्रथम भाव के स्वामी शुक्रदेव इस अवधि के दौरान आपकी माँ के चतुर्थ भाव को दृष्टि करेंगे, माँ चौथे भाव को दृष्टि करेंगे। साल का अंतिम महीना यानी दिसंबर महीने में आपको पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, ऐसे में आप तला भुना और अधिक मसालेदार भोजन खाने से परहेज करें और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, इस बात का ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेगा ये साल। हालांकि साल की शुरुआत में
प्रेम में पड़े जातकों के लिए थोड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति हो सकती है। साल की शुरुआत में आपके प्रेमी प्रेमिका को आपका क्रोध और आपका अहंकार और आक्रामक स्वभाव थोड़ा परेशान कर सकता है। फरवरी महीने के आखिर में मंगल ग्रह का स्थान परिवर्तन आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप दोनों के बीच आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, जिससे अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकेंगे, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अप्रैल में राहु का मेष राशि में होने वाला गोचर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। इस दौरान आप प्रेमी या प्रेमिका के साथ प्रेम विवाह में बंधने का फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से शेयर करेंगे, स्पष्टता के साथ एक दूसरे को बताएंगे, जिससे आपके लिए इस दौरान विवाह के योग भी बनेंगे। वहीं साल का आखिरी महीना आपके प्रेम में बढ़ोतरी लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं, और जहां आप खुलकर एक दूसरे को अपनी बात कहने में सफल हो सकते हैं। मई से लेकर जुलाई के मध्य तक आपको अपने पार्टनर से ईमानदारी रखनी होगी, नहीं तो वाद विवाद हो सकता है। बाकी समय सामान्य रहेगा प्रेम संबंधों में। वैवाहिक जीवन की बात करें तुला राशि वालों के विवाहित जातकों को इस वर्ष थोड़े मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। साल की शुरुआत में थोड़ी स्थिति संघर्षपूर्ण रह सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार और जीवन साथी को परिवार में तालमेल बिठाने के लिए कहेंगे, लेकिन इसमें संघर्ष होता दिख रहा है। हालांकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही आपको ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा। और 12 अप्रैल से मेष राशि में राहु का गोचर आपको थोड़ा सावधान रहने की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इस अवधि में आपके सप्तम भाव में हो रहे राहु के गोचर का प्रभाव साफ दिखाई देगा, जिससे इस दौरान आपका किसी कारणवश अपने जीवन साथी से थोड़ा वाद विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं जुलाई माह में आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव का अपने ही भाव मेष राशि में गोचर होना आपको हर विवाद व गलतफहमी को दूर करने में मदद करेगा, और आपके जीवन साथी के साथ प्रेम में बढ़ोतरी होगी, और इस दौरान आप दोनों के बीच तालमेल भी अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते में मजबूती होगी, जिससे आपका एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर मिला जुला साल रहेगा वैवाहिक संबंध के लिए। छोटी मोटी गलतफहमी विवाद संभव है जीवन साथी के साथ, लेकिन जीवन साथी का सहयोग करें और उसके साथ तालमेल बनाकर रखें तो आपका पूरा साल सही से गुजर जाएगा। उपाय की बात करें तो अपने इष्ट देवी व देवता की पूजा करना इस वर्ष आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, और गरीबों और जरूरतमंदों में सफ़ेद वस्त्रों का दान करने से भी आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें, और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहने अपनी जेब में हमेशा सफ़ेद रंग का रुमाल रखें, और शुक्रवार के दिन दूध से बनी मिठाई का भोग अपने इष्ट देव को लगाएं और उसको प्रसाद में बांट दें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहें। घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी काफ़ी शुभ रहेगा आपके लिए। माता लक्ष्मी की उपासना भी कर सकते हैं, और शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो मित्रों, मैंने ये बहुत सारे उपाय आपको बतला दिए हैं, इसमें से जो भी संभव हो सकें वो उपाय आप कर सकते हैं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको तुला राशि वालों के 2022 के वार्षिक राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से लागू होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।